झांसी के बीकेठी कोठारी हॉल के बाहर हंगामे के बाद सदर विधायक और भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीकेठी कोठारी हॉल में एमएलसी सीट की मतगणना चल रही थी। इसी दौरान भाजपा नेता मुकेश मिश्रा मतगणना स्थल के अंदर जाने लगे, जिस पर भाजपा नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि सदर विधायक समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो गए और वो मतगणना स्थल के बाहर बैठकर धरना देने लगे और साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां का माहौल देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। क्या मान लिया जाए कि आरओ और एआरओ की भूमिका संदिग्ध है? कल से टेबल पर बैठे हुए हमारे जो एजेंट है उनके द्वारा की गई हुई शिकायतों पर कार्यवाही ना होना ये निश्चित रूप से मिली भगत को दर्शाता है। हमारे टेबल के एजेंटों का कहना तो यहाँ तक है कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में पड़े हुए मतों को दूसरे प्रत्याशी के बंडल में मिला दिया गया, जो मत वैलिड थे उनको अनवैलिड करार देते हुए उससे हटा दिया गया गिनती में से। ऐसी चुनावी व्यवस्था को ठीक किए जाने की आवश्यकता के लिए हमारे प्रत्याशी श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा जी जब अंदर जाना चाहते तो उनको यहाँ पर रोक करके उनके साथ अभद्रता की गई। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी पुनर्गणना निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आप लोग धरने पर क्यों बैठ गए, क्या आप लोग की मांग है यहाँ से? नहीं, मांग तो यह है कि सबसे पहले तो जो हमारे प्रत्याशी, देखिए किसी भी चुनावी परंपरा में यदि लोग संतुष्ट नहीं हैं गिनती से, क्योंकि ये मतपत्रों के द्वारा किया हुआ मतदान है, इसमें वैलिड और इनवैलिड में जो अंतर है उसको जो हमारे प्रत्याशी जचवाना चाहते हैं तो उनको उनकी शंका का समाधान होना चाहिए। और जो वहाँ अंदर बैठे हुए जिन लोगों ने भी कर्मचारियों मिली भगत के साथ वो मतपत्र जो हमारे प्रत्याशी के पक्ष के थे वो दूसरे की गड्डी में मिला दी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।